उत्तर प्रदेश समेत देश भर में हो रहे पुलिस एनकाउंटर पर इन दिनों विवाद छिड़ा हुआ है। कहीं इस पर राजनीति हो रही है तो कोई इसे जाति के चश्मे से देख रहा है। बहरहाल इस मामले में क्या कुछ होना चाहिए और पब्लिक क्या सोचती है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्तागण मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं, इस पर जो राजनीति हो रही है उस पर बात करेंगे, साथ ही साथ इस पर जो कानूनी पहलू है उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार अंकित श्रीवास्तव है। मैं माननीय उच्च न्यायालय में विगत 10 वर्षों से क्रिमिनल साइड का प्रैक्टिशनर हूँ। कुमार भाई, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हो रहे हैं, लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं, मामला NHRC में गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से एक PIL पेंडिंग है 2020 के जो है वो, ना क्या सोचते हैं आप लोग जो है? देखिए, इनकाउंटर कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि जो हमारे देश की मूल भावना है लोक हितकारी स्टेट की है, तो लोक हितकारी स्टेट में इसीलिए न्यायपालिका का अपना कार्य है, कार्यपालिका का अपना कार्य है, विधायिका का अपना कार्य है, उसमें इनकाउंटर किसी भी पैमाने पे खड़ा नहीं उतरता है। दूसरी चीज़, इनकाउंटर को जातिगत चश्मे से देखना या इसको जातिगत रूप देना, ये कतई मतलब आप ये समझे कि इसको ये एक्सेप्टेबल नहीं है कहीं से भी। और रही बात जैसे अभी जो आप एक जो सुल्तानपुर की घटना के क्रम में अनु सिंह का इनकाउंटर हुआ, उसके पहले जौनपुर में एक मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, तो ये दोनों इनकाउंटर इसको तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने हितबद्ध हित के रूप में इसका उपयोग किया। ये गलत है। किसी परिवार का एक सदस्य गया है, हमारे प्रदेश का एक नागरिक गया है, वो अपराधी हो, वो इनोसेंट हो, उसका निर्णय आपकी न्यायपालिका करेगी। लेकिन पुलिस का तो अपना बयान होता है, उसका कहना होता है कि बदमाश आए, हमने ललकारा, उन्होंने पहले फायरिंग की, जवाब में हमने फायरिंग की, फिर एक आदमी मारा गया, एक भाग गया। देखिए सर, उस समय ना हम होते हैं ना आप होते हैं, वो त्वरित घटना होती। कहीं कहीं इनकाउंटर सच भी होते हैं, सही भी होते हैं, वास्तविक भी होते हैं और फेक भी होते हैं, इसको कहीं से डिनाई नहीं किया जा सकता। तो पुलिस अपने तरीके से अपना काम करती है, और लेकिन पुलिस को ये त्वरित न्याय देने की जो कोशिश है ये गलत, इसके लिए न्यायपालिका बनी हुई है और उसी न्यायपालिका के हम भी अंग हैं। आपका कहना है कि अगर रियल एनकाउंटर हो रहा है तो वो भाई सामने हो गया, कोई बात नहीं है वो, लेकिन सिर्फ वाहवाही पाने के लिए या सबक सिखाने के लिए पुलिस को एनकाउंटर नहीं करना चाहिए, ये मामला कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए कि कोर्ट उस मामले में कितना दोषी मानता है और किस तरह से पनिश करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार। मुकेश जी, आप बताइए, ये जो पूरा विवाद चल रहा है और इस पर खूब सियासत भी गरमाई हुई है, क्या सोचते हैं आप, क्या कहना है? बताइए बताइए, आप हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, बोलिए बताइए। आइडिया नहीं आपको? अरे, ये जो हो रहा है ये सही है या गलत है? राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? राजनीति तो देखिए नहीं होनी चाहिए अब, लेकिन इस बारे में चलिए और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? यश। यश जी, बताइए, जो सवाल इनसे मैंने किया था वही सवाल आपसे भी है कि क्या इनकाउंटर जो हो रहे हैं आप मानते हैं कि सही हो रहे हैं, और क्या जो इस पर राजनीति हो रही है वो सही हो रही है? इस पे तो राजनीति किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए, बाकी सही है या गलत है ये न्यायालय की वो है, इसमें क्या पुलिस को साक्ष्य मिले, क्या हुए, कैसे हुए, ये सारा कोर्ट को दे, बाकी कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है वो सारे सर्कमस्टेंस को देख के उसके बाद वो निर्णय ले कि सही है या गलत है। अच्छा, जो नेता लोग आरोप लगाते हैं कि ये फला जाति का था इसलिए मार दिया गया, ये फला जाति का है इसलिए बच गया, ये सही है या गलत है? देखिए, इसमें जाति कोई नहीं होती है, अपराध अपराधी होता है, अपराध जो करने वाला है वो अपराधी, उसमें कोई भी जाति का नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है सारे लोग इंडिया के सिटीजन हैं, उसमें कोई जाति न कोई वो है, और जाति सिर्फ दो होती है, स्त्री और पुरुष, और कोई भी जाति को इसमें नहीं निर्धारित किया गया है। मतलब अपराध को लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए, अपराध को जाति से नहीं जोड़ना चाहिए और अपराधी की कोई जाति नहीं होती है जो है वो। आपका क्या नाम है? जी, लोकुश यादव। लोकुश भाई, ये बताइए कि अभी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि वो यादव था इसलिए मारा गया जो है वो शायद दूसरी जाति का होता तो ना मारा जाता। कल एक अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ
तो उसके परिवार वालों ने कहा कि अखिलेश यादव ने इस तरह से बयान दिया था, इसलिए हमारा बेटा मारा गया। ये सब हो क्या रहा है? ये तो देखिए, ये तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती रहती है। जब वो सत्ता में रहती है तो उनका काम है, ये सत्ता में इनका काम है। तो ये दोनों पार्टियों की राजनीति अगर कर रहे हैं तो ये बेकार है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये न्यायपालिका काम है, पुलिस को पकड़ना चाहिए, अपना अरेस्ट करना चाहिए, अगला प्रोसीजर है वो निपना करना चाहिए। अगर फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से, दोनों अगर एनकाउंटर हो रहा है, फायरिंग दोनों तरफ से, पुलिस भी इंजर्ड होनी चाहिए ना। पुलिस क्यों क्यों चोट नहीं लगती है कोई? आखिर पुलिस क्यों बच जाती है भाई? कोई गोली पुलिस को भी लगनी चाहिए ना। सिर्फ गोली एकदम ढूंढ के उसी को क्यों मारती है जिस अपराधी होता है? पुलिस तो दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, पुलिस को भी मरना चाहिए। मतलब आप इस बात की आशंका जता रहे हैं कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं या जो होते हैं उनमें फेक एनकाउंटर भी होते हैं? बहुत सारे फेक एनकाउंटर होते हैं। क्या होना चाहिए ऐसे मामलों में? ऐसे मामलों में पुलिस को पकड़ना चाहिए, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और अपना जो न्यायपालिका है उसके आधार पर फैसला करना चाहिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरीके की घटनाएं रुक कैसे सकती हैं? देखिए, आपराधिक घटनाएं रुक पाना संभव नहीं है। ये बहुत प्राचीन काल से हमने जुरिस्प्रूडेंस से पढ़ते आए हैं हम लोग कि अपराध को एकदम से समाप्त कर देना ये संभव नहीं है। किसी सरकार में या किसी सरकार का एक पीरियड कह लेते हैं, किसी पीरियड में अपराध का ग्राफ कम होता है तो किसी में अपराध को रोकने का ये जो ठोको वाला है अभियान, ये ठीक है। बात पूरी करना चाहूँगा, अपराध सिर्फ एक माध्यम से रुक सकता है, वो है संस्कार। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो अपने बच्चों में नैतिकता दें, क्योंकि संस्कार से ही अपराध को रोका जाना संभव है। उसके लिए गोली मार देना या किसी प्रकार की दंड की व्यवस्था ये बहुत उचित नहीं है। तो जो आपका प्रश्न था कि अपराध कैसे रोका जा सकता है, जो अपराधी हैं उनको तो दंड मिलना चाहिए, इससे तो आप भी सहमत? बिल्कुल, इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं। अपराधियों को, जो वास्तविक अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनको दंड मिलना चाहिए, लेकिन वो एक प्रोसेस से, न्यायपालिका के माध्यम से वो दंड मिलना चाहिए। हम या आप जैसे कुछ जगह पे, कुछ मुद्दों पे मीडिया ट्रायल भी होता है, कहीं कहीं मीडिया भी, इसको आप अन्यथा न लें, नहीं नहीं कतई नहीं, तो मीडिया ट्रायल भी होता है। तो मीडिया ट्रायल होना या एनकाउंटर होना ये बिल्कुल गलत है। मतलब जो दंड दिया जाए, जो सजा दी जाए वो कानून के मुताबिक हो, कोर्ट सजा तय करे, उसको अपील का मौका मिले, खुद जो है पुलिस को, सरकार को या किसी भी अन्य को जो है उसे सजा देने का अधिकार नहीं है। नहीं, नेचुरल जस्टिस का नियम है, बिना किसी एक, सिर्फ एक पक्ष को सुन के कोई निर्णय दे देना ये उचित नहीं है। इसीलिए नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है हमारे यहाँ, नैसर्गिक न्याय का। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो राजनीति हो रही है, जो आरोप लग रहे हैं कि जाति देख कर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, सही है गलत है? नहीं देखिए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ना कोई मजहब होता है। ये हर नेता चैनल पे बोलता है, लेकिन जहाँ व्यक्तिगत हित की बात आती है वहाँ पे राजनीति, चाहे वो भाजपा हो वो भी करती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और सारे क्षेत्रीय दल भी करते हैं। तो जातिगत आधार पे अपराधी मतलब का कोई उससे अछूता नहीं है, कोई कम है कोई ज्यादा है। जातिगत आधार पे अपराधियों का वर्गीकरण बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं वो एनकाउंटर पर हो रही सियासत से दुखी भी हैं, नाराज भी हैं। उनका कहना है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, हालांकि जो एनकाउंटर का तरीका है, सजा देने का जो तरीका है, इनका ये कहना है कि वो भी उचित नहीं है, ट्रायल होना चाहिए। ट्रायल होने के बाद, मामले का ट्रायल होने के बाद कोर्ट ये तय करेगी कि किसको कितनी सजा दी जानी है, और उसमें भी जो दोषी होगा, जो आरोपी होगा, उसे भी अपील दाखिल करने का मौका मिलना ही चाहिए। यानी जो कुछ हो वो कानून के तहत हो, न्यायसंगत तरीके से हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।